जिंदगी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर दोस्तों जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के सामने सर झुकाती है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद लाइफ खत्म हो चुकी है, पर दोस्तों असल जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सच्चा प्यार क्या होता है? दोस्तों, सच्चा प्यार वो होता है जो आपके सभी सिचुएशन में आपका साथ दे, चाहे आप सुख में हो या आप दुख में हो, वो हमेशा आपका साथ देता है। इनफैक्ट अगर सच्चा प्यार होगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। बट कभी आपने ये सोचा कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि यही प्यार लोगों को सबसे ज्यादा दुख और दर्द में डाल रहा है? दोस्तों, प्यार जीवन देता है, ना कि आपका जीवन लेता है। अब कई लोग कहेंगे कि हमने तो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया, उस पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया, फिर भी उसने हमें धोखा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसको भुला नहीं पा रहे हैं, हमें उसकी याद आ रही है। दोस्तों, आजकल प्यार अंधा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुंदरता, आपका पैसा, आपकी हैसियत देखता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इतने बेवकूफ हो जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हो? आपको अपने प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है? क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप इतने कमजोर हो कि आपको जीने के लिए दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है? आपने अपनी खुशियों की चाबी क्यों दूसरों को दे रखी है? यार, सच बताऊं तो प्यार कोई चीज नहीं है जो आप किसी से भी मांग लोगे। प्यार तो दो दिलों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। तो इसलिए कभी भी अपने प्यार के भी किसी से मत मांगना, क्योंकि अगर किसी को आपसे प्यार होगा तो वो खुद आपके बिना नहीं रह पाएगा। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो आपको उसे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एक कॉल में ही वो आपके पास भागा चला आएगा, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। वो कैसे आपको दर्द में देख सकता है? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर वो आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है? और अगर आप इस गलत फहमी में हो कि वो आपसे नाराज है या कभी ना कभी तो वो मान ही जाएगा, तो आप इस बात को तो भूल ही जाओ, क्योंकि प्यार में इतनी तड़प होती है कि कोई इंसान ज्यादा दिनों तक आपसे नहीं रूठ सकता। वैसे तो ये गलती आपकी है, ना कि उसकी, जो आपने उसे हद से ज्यादा वैल्यू दे रखी है। कभी कभी किसी को हद से ज्यादा वैल्यू देना उसे बोझ लगने लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है
कि आप किसी के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि सामने वाला आप पर तरस खाकर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। पर दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये एक समझौता है जो कुछ दिनों तक चलता तो जरूर है पर एक दिन टूट ही जाता है। अब ये बात आप जितनी जल्दी हो समझ जाओ कि उसे आपसे प्यार नहीं है, जिसे आपकी कोई कदर नहीं है उसके लिए रोने से क्या होगा, जिसे आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए आंसू बहाने से कोई बेनिफिट है क्या? कब तक रोते रहोगे? अब बस बहुत हुआ यार, अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला है। तो आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है, और उसे माफ करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में किसी एक के चले जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती। तो उठो यार, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, अपने चेहरे से ये उदासी हटाओ और हमेशा मुस्कुराओ। मुस्कुराओ उन लोगों के लिए जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ने आपको कितना इंस्पायर करा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।